गोरखपुर के बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मेधावी छात्रों ने सड़क निर्माण की तकनीक में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। छात्रों ने सीमेंट में अंडों के छिलकों से पोरस फॉलो कंक्रीट पैनल और इंटरलॉकिंग ईंटों का निर्माण किया है, जिसमें परंपरागत तरीके से बनने वाले सड़क की लागत में कम से कम 30% तक की कमी आएगी और मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी। इसके द्वारा बनाए गए इस मॉडल की खासियत ये होगी कि इससे भवनों का निर्माण भी किया जा सकेगा, जिससे मजबूती तो बेशुमार रहेगी और उसका भार भी काफ़ी कम होगा, जिससे दैवीय आपदाओं से भी कुछ हद तक बचाव हो सकेगा। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये छात्र अपने इस नए प्रोजेक्ट के साथ अखिल भारतीय स्तर के एक दर्जन से भी ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से IIT रुड़की में इनको इस प्रोजेक्ट के लिए प्रथम पुरस्कार, वर्ल्ड स्किल इंडिया में जोनल लेवल का पुरस्कार, IIT कानपुर में द्वितीय पुरस्कार आदि शामिल है। इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से टीम लीडर आशीष कुमार सिंह, सुषमा मुजफ्फर रहमान, पूजा सिंह और प्रतीक्षा कौनौजिया शामिल थी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपने इस करिश्माई आविष्कार के बारे में बताते हुए टीम लीडर आशीष सिंह ने बताया, सर ये पोरस फॉलो कंक्रीट पैनल हम लोगों ने तैयार किया है, जिससे कि जैसे आप समाज में भी वो आप देख सकते हैं सर, नीचे हम लोगों ने बनाया, जैसे आपका कोटारका रोड होता है और उसके बाद आपका सीमेंटेड रोड आया, तो कोटा रोड क्या होता है, पानी लगने की वजह से उखड़ने लगता है गिट्टी, और जो सीमेंटेड रोड है उस पर भी काई लगती है। तो काई लगने का कारण क्या है, पानी लगना, अगर पानी ना लगे तो काई लगेगी नहीं। तो हम लोगों ने एक ऐसा ब्लॉक तैयार किया है, वो भी वेस्ट मटेरियल जैसे सिलिका फ्यूम, एक्सेल पाउडर और ई-वेस्ट, इसको यूज़ करके हम लोगों ने एक कंक्रीट तैयार किया है, जिससे कि पानी वो सोख करके नीचे चला जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। इससे हम अपने जल स्तर जो है वो भी मेंटेन कर सकते हैं, और जैसे कि आगे चल के हम अगर उस पर चाहें तो रेन हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, तो पानी उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जा सके। हम लोग का यही मेन कॉन्सेप्ट है। और जिससे अंडे के छिलके से क्या हुआ है इसमें? हाँ, हम लोगों ने इसमें अंडे का छिलका इसलिए यूज़ किया है, जिससे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो इसमें पकड़ बनाने की बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है, जिससे कि सीमेंट में उसको हम यूज़ कर सीमेंट में मिलाएंगे, इससे उसकी पकड़ की जरूरी होगा, और इसमें सिलिका ऑक्साइड जो यूज़ किया सिलिकॉन ऑक्साइड, उससे उसमें अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगा, मतलब जल्दी उसमें सेट होने की आ जाएगा, जिससे कि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा, और हमारे इसको रोड पर भी लगा सकते हैं, इसको हम लोग आपका पार्किंग लेन में भी लगा सकते हैं, अपने बिल्डिंगों में भी लगा सकते हैं। बिल्डिंगों में लगाएंगे तो क्या होगा, उसका अपना खुद का भार कम हो जाएगा, जिससे कि वो बिल्डिंग कभी भी क्या कहते हैं ख़राब नहीं होगी, और अर्थक्वेक प्रूफ रहेगी, अर्थक्वेक पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और ये हमारा आगे चल के बहुत ज़्यादा आगे मतलब जाएगा। और हम लोग ने इसको DSC में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है, इसमें हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है,
ऑल ओवर इंडिया लेवल, और हम लोग IIT BHU और IIT कानपुर, IIT रुड़की, ये तीनों IITs में हम लोग जीते हैं वहाँ के कॉम्पिटिशन में। और हम लोगों ने स्टेट लेवल में भी, उत्तर प्रदेश लेवल पे हम लोग फर्स्ट रैंक लाए हैं गोल्ड मेडलिस्ट। तो क्या लगता है सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि इस प्रोजेक्ट के प्रति कुछ जागरूकता दिखाएंगे या काम करेंगे आपके? सर अभी हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं और ज़रूर इस चीज़ को हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास तक ले जाएंगे, जिससे कि वो भी जाने और वो भी इस चीज़ को समझें कि इस पर काम किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने।